पनवेल महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा सोमवारी संपन्न झाली. ही सभा स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या उपस्थितीत महापालिकेच्या सभागृहात संपन्न झाली. या सभेला विविध विषयांवर चर्चा करून त्यांना मंजुरी देण्यात आली. पनवेल महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभेत पनवेल महापालिका क्षेत्रातील खारघर नोडमधील प्लॉट क्रमांक 22 सेक्टर 5 येथील आयुक्त निवासस्थान बाहेरील परिसर विकसित करणे व लँडस्केपिंग करणे आणि महापालिका क्षेत्रातील नव्याने बांधण्यात आलेले 12 सार्वजनिक शौचालय पे अँड यूज या तत्वावर देण्याबाबतच्या विषयावर चर्चा करून त्याला मंजुरी देण्यात आली. या सभेला महिला व बाल कल्याण सभापती मोनिका महानवर, नगरसेवक प्रकाश बिनेदार, प्रवीण पाटील, अजय बहिरा, मुकित काजी, नरेश ठाकूर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. या संदर्भात स्थायी समिती सभापती संतोष शेट्टी यांनी अधिक माहिती दिली. जो स्थायी समिती का जे सब्जेक्ट था उसमें दो सब्जेक्ट को पास किया. एक तो आयुक्त बंगला बन रहा है उसका आगे का लैंडस्केपिंग का काम था वो पास कराया. दूसरा मुद्दा एक पनवेल महानगर पालिका का 12 टॉयलेट को पे एंड यूज़ का हिसाब से टेंडर हुआ, दोनों आज पास हुआ. दूसरा एक ट्रेड लाइसेंसिंग बोलेगा तो जो भी इधर बिजनेस कर रहे हैं उसको ट्रेड लाइसेंसिंग देने का था, उसका नेक्स्ट सभा में लेने का सोचा कि उसको पूरा चर्चा करने का और लाइसेंस फीस सब इतना लेने का वो सब्जेक्ट से नेक्स्ट सभा में उसको चर्चा करके नहीं तो उसका जो एजेंसी है लाइसेंस देने का उसको सर्वे करने के लिए उसको री टेंडर करने के सोचा. और बाकी एक मुद्दा था स्मशान भूमि का, वो भी चर्चा करके नेक्स्ट कैसा बिलो में गया वो 20% उसके लिए नेक्स्ट सभा में उसको चर्चा करके वो काम कर सकते हैं क्या, नहीं तो बिलो में जाने का वजन से हो सकते काम का आधा आधा करके जाएगा. वही सबसे उसको भी आज का सभा में उसका रुका दिया होगा. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.